हुनर लेके पैदा होता है और कई बार वो हुनर सामने आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आज हम लुधियाना पहुंचे हैं पारस डिजाइनर्स के शोरूम में, जहां पे हमारे साथ एक बहुत ही नन्हे से कलाकार सूफी गायकी को लेकर यहाँ पर आए हैं। 13 साल की उम्र में इतना हुनर शायद ही हमने किसी इतनी छोटी सी उम्र में किसी का देखा होगा। जी हाँ, कुदरत ने उन्हें कहीं ना कहीं कद से नहीं बख्शा, बट उनकी जो गायकी है उसको लेके वे रोज ही रोज कुछ ना कुछ नया करके दिखा रहे हैं हमारे पंजाब के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं इस छोटे नन्हे से कलाकार से, जिनका नाम है सतीश साबरी। हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया ही। बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले तो आपका वेलकम है टाइम्स पंजाब टीवी में। और अब आप बताओ आप कितने साल के हो? हम मैं 13 साल की। आप थोड़ी सी जोर से बोलो। हम 13 साल के हैं। आप 13 साल के हो। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सेवन्थ में। अब आप यहाँ पे आए हो पारस डिजाइनर्स के शोरूम में, यहाँ पे इतने सारे लोगों ने आपको सुना है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, पहले एक अच्छा सा गाना सुनाओ। चलो पहले सुनेंगे। आपने देखा क्या? हमें बता सकते हैं आपने 13 साल की उम्र में कभी किसी को इतनी सुंदर सूफी गायकी करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, और जैसे कि इनको गाना गाते हुए तो आपने देख लिया, आपने ये भी नोटिस किया होगा ये हारमोनियम भी खुद बजा रहे हैं, ये तबला बजाने में भी बहुत माहिर है, ये सब किसने सिखाया आपको? पापा ने सिखाया जी। पापा ने सिखाया। तो कितने साल से आपके पापा आपको सिखा रहे हैं? अभी थोड़ा टाइम हुआ है जी। थोड़े टाइम में आप इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं? कितना रियाज करना पड़ता है आपको? हमको 2-3 घंटे लगा लेते हैं। एक दिन में 2-3 घंटे? तो जब आप स्कूल जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो? इसकी तैयारी भी करनी है, स्कूल की पढ़ाई भी साथ करनी है? दोनों ही तैयारी करते ही। दोनों तैयारी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, चलो अब हम आपसे एक सीरियस सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे हमने शुरू में बताया, कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको कद से नहीं बख्शा, तो कभी आपको स्कूल में ऐसी कोई परेशानी आई कि किसी ने आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई टीचर्स हैं, कभी किसी ने आपको कद को लेके आपको कभी कुछ कहा हो? नहीं जी, नहीं कहा। सब बहुत प्यार देते हैं। यस यस। तो चलो अब एक बात बताओ, आपके पापा आपको सिखाते हैं, कैसे लगता है? या बाहर से भी कहीं से आप सीखते हैं? यस, बाहर से भी सीखते हैं जी। हाँ जी, सीखते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये सूफी गायकी में इंटरेस्ट कैसे बना, या किसी और जो आजकल तो बहुत गाने हैं, लोग पंजाबी गानों पे भी गाना पसंद करते हैं, फिल्मी ट्रैक्स भी होते हैं, सूफी गायकी की तरफ आपने कदम कैसे बढ़ाया? पापा जी। आपके पापा खुद भी गाते हैं? यस, खुद भी गाते हैं। मतलब टैलेंट ये घर से ही निकल कर आया है? हाँ जी। हाँ जी। तो अब चलो और क्वेश्चन और पूछेंगे, एक सुंदर सा गाना और सुना दो जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो, आपको खुद बहुत पसंद हो। जिंदलाई तेरे नावे
कोई बड़ा भी इतने सुर नहीं लगा सकता हूँ कह सकते हैं। अच्छा बताओ लुधियाना इससे पहले आप आए हो कभी? जी आए हो कभी। स्कूल में आप गाना गा के दिखाते हो जब आप जाते हो, कभी स्कूल में कोई फंक्शन होता हो वहाँ आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को? हम तो ठीक ठाक ही करते हैं, बढ़िया है। आप जब गाना गाते हो अपने टीचर से, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आपके गानों की तारीफ करते हैं? बहुत बढ़िया करते हैं। बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ जी। तो आप अपने टीचर्स को कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से? थैंक्स। थैंक्स कहना चाहोगे? हाँ जी। और सबसे बड़ा थैंक्स आप अपने पापा को कहेंगे ना, जिनसे आप सीखते हैं, जिन्होंने आज आपको इस स्केल पे, इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचाया है। हाँ जी। उनको कैसे थैंक्स कहोगे? थैंक्स यू। थैंक्स टू यू। एक गाने के साथ सुना दो फिर अपने पापा को। आप देखिएगा अपने पापा को थैंक्स गिविंग मैसेज देंगे एक गाने के थ्रू। अखियां तेरा सुनिया मिलवाते हैं इस नन्हे से कलाकार के फादर से, जिनसे ये सीखते हैं, जिनसे रोज बैठ के ही उनके साथ रियाज करते हैं। आइए सर, प्लीज आगे आइए, अपने बारे में बताइए प्लीज कुछ सर अपने चैनल। जी मेरे बारे में बस, मेरा काम गाने बजाने का है जी, और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ ये लड़का नन्हा मुन्ना बच्चा जो मेरे घर पे पैदा हुआ है। हाँ सर, तो सतीश से तो जैसे हमने पूछा कि कहीं ना कहीं कुदरत की वजह से उनको कद नहीं मिल पाया, तो आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई जब वो आपके साथ कहीं जाता है, या कभी किसी लोगों की वजह से कभी आपको कुछ सुनने को मिला? नहीं जी, ऐसा मोहब्बत, बेहद मोहब्बत मिलती है जी। सर इतना टैलेंटेड बच्चा आपके घर आया तो हम कह सकते हैं मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी। तो सर इसके बारे में बताइए कि आप कितने सालों से इसको रियाज करवा रहे हैं? तकरीबन टाइम तो इसको थोड़ा ही हुआ, अभी साल दो साल हुआ है, और मैं तो गाता हूँ तो इसको साथ में लेकर जाता हूँ प्रोग्राम पे। साल दो साल में इतना कोई सुर का कैसे पक्का हो सकता है? ये भी उस परमात्मा की कर्म नवाजी है जी। तो सर एक चीज़, गाने में तो ये इतने टैलेंट रखते ही हैं, अब वो तबला और हारमोनियम वो भी कैसे, वो कहीं बाहर से सीखते हैं? इसकी जो शुरुआत हुई वो तबले से हुई जी। मैंने एक बार इसको ना, ये हमारा जो बेड है वो पड़ा था, और उधर मैडम नूर जहाँ का गाना चल रहा था उसके साथ ये बजा रहा था बेड को, तो मैंने इसके हाथ देखे, छोटे छोटे हाथ, मैं कहा इसके हाथ भी तबले वाले हैं और इसको तबला लेके देता हूँ। फिर मैंने इसकी शुरुआत तबले से की है जी। हाँ, जो रिदम में आ जाता है फिर वो रिदम का पक्का हो जाए, और फिर उसको फिर ये मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फिर। एक चीज़ हमें बताइए, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ के लोग भी ज़रूर सतीश साबरी को सुनते होंगे, इनके गानों को सुनते होंगे, वहाँ के लोगों से किस तरीके का एक अप्रिसिएशन मिलता है, कैसा प्यार मिलता है? बहुत बहुत ज़्यादा जी, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का, इतनी मोहब्बत देते हैं, और मैं मुझे लगता है मैंने किसी पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो बच्चा मेरे घर पे पैदा हुआ। सर आप खुद भी, हमें पता चल चुका है कि खुद भी गीतकार हैं, गाना गाते हैं, तो चलिए अब सतीश से तो गाने सुन लिए, उन्होंने एक थैंक्स गिविंग मैसेज भी आपको गाना गा के दिया है, अब हम चाहेंगे हमारे चैनल को आप भी एक गाना गा के सुनाइए प्लीज़। जी ज़रूर, मेरा अपना गाना है जी, और वो अगर मालिक ने चाहा तो शायद वो जल्दी आपकी कृपा से वो रिलीज़ भी हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है और हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वो एक मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, और मेरे दोस्त को मैंने बोला था भाई मेरे को एक गाना लिख के दो, फिर उसने मेरे को गाना लिख के दिया, और मैं उसको वो आपको थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ। बेटा सुर रखना, पाँचवा सुर रख दो। हाँ शिवरंजनी। मैनू अज भी चेते आउंदा ए, दिल फेर मिलन नू चाहुंदा ए, ओनू किदा मैं भुल सकदा, जो चुकी के रेखा खिडौंदा सी, जिदे नाल सी वसदा जग मेरा, ओ सजनों अज उजाड़ गया। हाँ जदों चक्की अर्थी बापू दी,
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਹਾੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਅਰਥੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਹਾੜ ਗਿਆ। ਸਰ ਆਪ ਸਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ। ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਆਪ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਏਕ ਸਾਥ ਫਾਦਰ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਕਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਵਨ ਮੇਂ ਵੋ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਉਸਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਜੋ BA ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕਾ। ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਏਕ ਹੀ ਛੱਤ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹਮਸੇ ਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ, ਜਬ ਘਰ ਕੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਥੇ ਵੋ ਉਸਕੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੜੇ। ਔਰ ਏਕ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਭਗਵਾਨ ਸੇ, ਹੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖੇ ਦਿਨ ਵੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਨੇ ਪੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਸੰਗੀਤ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦੀਏ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਲੇਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੋ। ਜੋ ਸਭਸੇ ਮੇਨ ਬਾਤ ਹਮ ਆਪਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਆਜ ਹਮ ਆਪ ਆਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪੇ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਹਮ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਨੇ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਆ ਤੋ ਆਪ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਉਨਕੋ ਕੋਈ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੀਜੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਪਾਰਸ ਜੀ, ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਇਨਕਾ ਇਤਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸੇ, ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਏਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਏਕ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨੇ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ ਹਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਤੋ ਚਲੀਏ ਅਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਮਿਲਾਤੇ ਹੈ ਪਾਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਕੇ ਓਨਰ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਨੰਨੇ ਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸਾਬਰੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਉਨਕੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਚਲੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਕੋ ਮਿਲਵਾਤੇ ਹੈ ਪਾਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੇ ਓਨਰ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸੇ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਗੇ ਆਈਏ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ TV, ਕੈਸੇ ਆਪ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਤੀਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਆਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੇ ਆਨੇ ਪਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਹਮ ਸਭੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਅਬ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੋ ਆਪਨੇ ਪੂਰੇ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਮਾਇੰਡ ਮੇਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਸਕੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੇ ਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਥੀ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਦੇਖਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਭਰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਤੋ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਛੋਟੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇ ਇਨਕੋ ਯਹੀ ਪੁਕਾਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਨਕੋ ਮੈਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੋ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲਵਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਲੀਮ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਗੇ ਬੜ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ ਔਰ ਇਸਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਛ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਵੀ ਸਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੀ ਗਾਇਕੀ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪੇ ਇਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗਾਇਕੀ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੇ ਲਈ? ਅਬ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਬੰਬੇ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੀ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੂਫੀ, ਤੋ ਅਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਅਬ ਬੰਬੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਇਸ ਨੰਨੇ ਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋ, ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਸਾਸ ਕੋ ਮਿਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਨਕੋ, ਥੈਂਕਸ ਸਭੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਕੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਰ ਔਰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਮਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਇਨਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਨਕੋ ਤੋ ਸਭ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹਮੇਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਤੋ ਵਾਪਿਸ ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਸਾਬਰੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪਾਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੇ ਓਨਰ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੋ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਸਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਵੋ ਆਪਕੋ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਆਪਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆ, ਸਰ ਕੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਆਹਾ
ਨਵਾਂ ਸਜਾ ਨਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਜਾ ਨਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਜਾ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਨਵਾਂ हमारे चैनल को टाइम देने के लिए और हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो, मुंबई जाके फेमस हो, हमारे पंजाब का नाम रोशन करो, हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ 13 साल के छोटे नुसरत फतेह अली खान। जी हाँ, उनको ये टैग दिया है पारस डिज़ाइनर्स के ऑनर मिस्टर संजीव ने। जी हाँ, इनकी गायकी सुनने के बाद हम सब ने इनको टैग दे दिया है छोटे नुसरत फतेह अली खान का। इनकी गायकी बहुत ही सुंदर है, सूफी गायकी, इतनी अच्छी वो तरह से प्रेजेंट करते हैं कि 13 साल की उम्र में कोई भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई गा सकता है। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस छोटे से नन्हे से कलाकार से मिलके। हम सब ने भी उनके वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी कि आने वाले टाइम पे वो हमारे पंजाब का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।